Myself, Dr. Chand Pratap. My topic is Fundamentals of Forensic Psychology. I am hereby represent this. Forensic psychology is a branch of science जिसमें हम लोग डील करते हैं किसी भी क्रिमिनल के माइंड को क्या सोच रहा है वो फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे हम लोग क्रिमिनल प्रोफाइलिंग भी करते हैं. बहुत सारे यूजेस हैं इसके. इससे हम लोग साइकेट्रिस्ट लोग भी हेल्प करते हैं क्रिमिनल्स का जानने के लिए. आगे हम लोग आते हैं ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी. इसमें हम लोग आता है लॉ इन्फोर्समेंट. जैसे हम लोग लॉ इन्फोर्स करते हैं, अलग अलग क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करके हम लोग लॉ इन्फोर्स करते हैं. दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम लोग सामने वाले को देखते हैं पहले कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये सब. उसके बाद हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं. कोई भी चीज़ क्राइम सीन पे हम अगर जाते हैं तो पहले हम लोग अपना माइंडसेट बनाते हैं वहाँ पे कि हमको कैसे क्या करना है. उसी को जो हम लोग स्टडी करते हैं वो आता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में. तीसरा होता है इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन में सस्पेक्ट से, विक्टिम से हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके फीलिंग मतलब उसको क्या सोच रहा है, माइंडसेट क्या है, ये सब जो भी है वो भी हम लोग का फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आता है. इसके एप्लीकेशन है. चौथा डिटेक्शन, डिसेप्शन, बहुत सारे इसके मतलब एप्लीकेशन है. बहुत ही सारे लिटिगेशन सपोर्ट है, इंटरोगेशन है, सजेस्टिबिलिटी है, मेमोरी एंड टेस्टिमनी है, बहुत सारे हैं. आगे हम लोग आते हैं फॉरेंसिक एप्लीकेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. इसमें हम अब हम लोग क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी को. फॉरेंसिक साइकोलॉजी को हम ऐसे मतलब कि अगर कोई नार्को एनालिसिस मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं अगर किसी का भी, तो उस टाइम हम लोग साइकोलॉजी मतलब कि माइंड जो भी विक्टिम है या सस्पेक्ट है उसको हम लोग जब ड्रग्स देते हैं तो उस टाइम उसका चेक करते हैं क्या माइंड सेट है. वही सेम BEOS में ब्रेन मैपिंग में भी करते हैं कि उसका उस टाइम क्या माइंड सेट है, बाद में क्या माइंड सेट है. ये भी हम लोग ये जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है. फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है मेनली हम लोग डिजाइन किया गया है क्रिमिनल के प्रोफाइलिंग के लिए. क्रिमिनल को उसका माइंडसेट क्या है, वो क्राइम किस तरह करता है, और आगे मतलब कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसका साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी मीन्स माइंड माइंड जान के हम लोग फॉरेंसिकली उसका मतलब वो करते हैं. क्योंकि हम लोग फॉरेंसिक में पढ़ते हैं लॉ अबाइडिंग एप्लीकेशन, लॉ इन्फोर्समेंट. और वही से अगर साइकोलॉजी आ गया मीन्स क्या, हम लोग क्रिमिनल के माइंड को देख के हम लोग बता सकते हैं वो सोच क्या रहा है, वो क्या किया है, अगर वो सस्पेक्ट है या नहीं, ये सब चीज़ हम इससे पता कर सकते क्लिनिकल प्रैक्टिस से. Fundamentals of forensic practice offers a full view of all failures of खत्म. Thank you sir, my video is over.